हेलो फ्यूचर असिस्टेंट कमांडेंट, आई वेलकम यू ऑल बैक टू AVKS Academy। बीच में थोड़ा गैप आ गया है, लेकिन आई एम बैक विद एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, दैट इज 180 डेज का स्टडी प्लान। बहुत ही बेहतर स्टडी प्लान आपके सामने हमने लेके आए हैं। ट्रस्ट में, अगर ये स्टडी प्लान आप फॉलो करते हो, देन यू विल बी गेटिंग 100% सक्सेस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है? स्किप मत करो, लास्ट तक देखो। थोड़ा लेंदी रहने वाला है, लेकिन डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक सैंपल के तौर पे मैं आपको स्टडी प्लान दिखाने वाला हूँ, जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा आपसे वो कैसा फॉलो करना है, आप देखो अभी। तो ये स्टडी प्लान आप देख सकते हो, ठीक है, 180 डेज का स्टडी प्लान, जिसमें हमने पॉल्टी, देखो पॉल्टी अभी 25 डेज का प्लान हमने बनाया है, जिसमें है डे वन में क्या करना है, डे टू में क्या करना है, ठीक है, डे थ्री में क्या करना है, फोर में क्या करना है, डे फाइव सेम एज इट इज, उसके बाद रिविजन आपको कब करना है, ठीक है, रिवीजन कब करना है, टेस्ट कब देना है। क्लियरली आपके लिए मैं सब्जेक्ट वाइज बनाया हूँ, क्योंकि आपका, आप शायद आपका पॉलिटी में भी थोड़ा अच्छा स्ट्रांग एरिया हो सकता है, दूसरा सब्जेक्ट आप शायद प्रिपेयर करना चाहते हो, तो अलग अलग फॉर एवरी सब्जेक्ट हमने अलग अलग 25 डेज का या 30 डेज का बना दिया है, ठीक है। ये आपका पॉलिटी हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी हमने 25 डेज का प्लान बनाया है, डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, इसमें क्या क्या आपको कवर करना है, प्योरली आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और टेस्ट भी आपको कब देना है, पूरा हमने यहाँ पे एक डिटेली PDF आपके लिए हमने प्रोवाइड करके दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सेम एज इट इज हिस्ट्री देख सकते हो, 30 डेज का प्लान हमने दिया है, सेम इसमें भी डे वन, डे टू, स्टार्टिंग फ्रॉम एंशिएंट, उसके बाद मेडिवल, उसके बाद मॉडर्न, कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, पूरा क्लियरली हमने आपके लिए दिया है। तो आपको क्या करना है, ये मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में कैसा आपको कवर करना है। इसके अलावा इसका PDF सारे आपको मिल जाएंगे, आज नहीं, मैं आपको कम्प्लीटली और अच्छा एडिटिंग करके कल, आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो कल मैं टेलीग्राम चैनल में, AVKS Academy का टेलीग्राम चैनल है, इसके अलावा AVKS Academy का ऐप भी है, एंड्रॉयड में और iOS में भी ऐप है AVKS Academy का, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। तो स्टडी प्लान आपको फॉलो करना है, स्टडी प्लान आपके पास रहेगा, देन टारगेट्स आपके पास रहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा वीडियो लेंदी आने वाला है, तो हमने क्या क्या यहाँ पे चैप्टर वाइज हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका चैप्टर है, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो स्ट्रैटेजी, बुक्स, ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न। तो अगर उसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको लगता है कि मुझे पता है मैं एलिजिबल हूँ, सिलेबस के बारे में मुझे पता है, जस्ट मुझे ओनली बुक्स का देखना है, स्ट्रैटेजी देखना है, तो उसके इसमें स्ट्रैटेजी के ऊपर क्लिक करोगे, स्ट्रैटेजी आ जाएगा। तो आपके लिए थोड़ा ईज, मतलब थोड़ा ईजी बनाने के लिए आपने क्या किया है, ये चैप्टर्स भी यहाँ पे इंक्लूड कर दे, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास है ऑलमोस्ट ऑल 180 डेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये 180 डेज टाइम आपका एग्जाम प्रिपरेशन फ्रूटफुल या एग्जाम प्रिपरेशन आपका रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए थोड़े प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप बुक्स लोगे, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, दैट इज नॉट द राइट वे, ठीक है। नॉर्मली आप क्या करोगे, देखो एक बार यहाँ पे, एक सेकेंड, फर्स्ट आप एनालाइज करोगे, फर्स्ट प्रोसेस आपका रहेगा एनालिसिस, क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले वेट करो। नेक्स्ट रहेगा आपका रीडिंग पार्ट, एनालिसिस करोगे, उसके बाद आप रीडिंग जोन में एंटर हो जाओगे। रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन, जहां पे आप कोई भी किताब उठा रहे हो तो फर्स्ट टाइम उसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। रीडिंग होने के बाद फाइनली यू एंटर इनटू रिहर्स जोन, मतलब रिवीजन जोन में एंटर होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एनालिसिस मतलब होता क्या है, एनालिसिस मतलब समझ लो कोई आप पेपर टू में एसे लिख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे लिखने से पहले आपका ग्राउंड वर्क क्या रहेगा, जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं या रफ ड्राफ्ट बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले पॉइंट्स गैदर कर लेते हैं, वो पर्टिकुलर समझ लो ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर कोई आपका ऐसे आया है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के पीछे हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट्स गैदर कर लेंगे, इंट्रोडक्शन कैसा लिखना है, कंक्लूजन कैसा लिखना है, पूरा पॉइंट्स हम गैदर कर लेंगे, उसके बाद हम ऐसे फ्रेम करेंगे। सेम एज इट इज एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको एनालिसिस करने हैं। आप यहां पर देख सकते हो हिस्ट्री का, नेक्स्ट पॉलिटी का एंड ज्योग्राफी का ऑलरेडी हमने एनालाइज कर दिया है लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, टुगेदर ऑल टुगेदर मैं आपको ड्राइव लिंक देने वाला हूँ,
ठीक है, लास्ट तक देखना, ये सारे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है, जो भी रिमाइनिंग सब्जेक्ट है सब कुछ आपके सामने हम लेके आएंगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये पता चलेगा एग्जैक्टली आपका सिलेबस क्या है। नेक्स्ट, पेपर पैटर्न कैसा है आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है आपको पता चलेगा, पेपर का स्टैंडर्ड्स क्या है आपको पता चलेगा। ये पूरा अगर आपके माइंड पे है, इसके लिए आपको निकालना है 7 to 10 days टाइम, इसके लिए आपको निकालना है, एटलीस्ट 7 days का टाइम आपको इसके लिए निकालना है। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने एनालिसिस कर दिया है, बस 2-3 दिन में आप पूरा एनालाइज कर लोगे अगर आपके पास हमारा एनालिसिस का पीडीएफ है। ठीक है, ये एनालिसिस पार्ट हम आपके लिए करके दे रहे हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद आपको देखना है बुक्स कौन से पढ़ने हैं पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सा बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको ये देखना है कि पेपर टू के लिए इंफॉर्मेशन आपको कैसा गैदर करना है, कौन सा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, कहाँ से हमें कंटेंट गैदर करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके पास ये सारे टास्क है, फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद बुक्स, उसके बाद पेपर टू के लिए कैसा कंटेंट गैदर करना है, ये पूरा आपको एनालिसिस पार्ट में पूरा एनालाइज करना है। ये पूरा आपको आज करके देंगे, डोंट वरी एट ऑल, वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। सो रीडिंग में क्या करोगे, जो भी आपने एनालिसिस किया है यहाँ पे एनालिसिस पार्ट में पूरा रीडिंग में इंप्लीमेंट करोगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि बुक्स कौन सा पढ़ना है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत उठा रहे हो, ठीक है, लक्ष्मीकांत पूरा तो आपको नहीं पढ़ना है ना, आपने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है, तो वहाँ पे आपने क्या सीखा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपने ये सीखा कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको स्किप कर देना है। ठीक है, तो वो बेसिकली वो चैप्टर्स यहाँ पे आप कवर करोगे सारे पूरा सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो वो आपका मेन रीडिंग पार्ट हो गया। रीडिंग आपका बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, रीडिंग कभी भी एक ही बार करते हैं, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करते हैं। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर मैं 4-5 बार रीडिंग करते हैं। नहीं, रीडिंग बस आप एक ही बार करते हो, रिवीजन आप मैक्सिमम टाइम्स करते हो। जब आप एक ही बार रिवीजन रीडिंग कर रहे हो, उसका मतलब कि रीडिंग आपका बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, बहुत ही तगड़ा रीडिंग होना चाहिए। सो रीडिंग के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन में बेसिकली आप क्या करोगे, जो भी सब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसका प्योरली पूरा रिवाइज करोगे। ठीक है, स्टडी प्लान में भी हमने वो दिया है। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे। एमसीक्यूज प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करना है एंड फुल लेंथ भी, फुल लेंथ मतलब जैसा कि आपका एग्जाम में आता है ऐसा भी आपको प्रैक्टिस करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिवीजन में क्या करोगे, जो भी सब्जेक्ट सारे रिवाइज करोगे। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे, भूलना मत। अगर पेपर टू है तो पेपर टू का पूरा जो भी एसे सब सब कुछ आपको रिटर्न में प्रैक्टिस करना है, वो भूलना मत। अगर पेपर वन है एमसीक्यूज, पेपर टू है डिस्क्रिप्टिव में आप प्रैक्टिस करोगे। एवीकेएस का सपोर्ट भी ले सकते हो, एवीकेएस का प्रतिभा टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है, वो प्रतिभा टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, तो वहां से आपको बहुत ही बूस्टअप मिलेगा। देखो 6 months का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक कॉमन क्वेरीज होते हैं, ठीक है, जो आपको क्लियर करना है इन ऑर्डर टू प्रोसीड फॉर द प्रिपरेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े कॉमन क्वेरीज हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको लगता है आपके और भी कुछ क्वेरीज है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। यहाँ पे देखो सिंपल फर्स्ट 2 जो क्वेश्चन है दोनों का सेम आंसर है, 6 months इनफ या कैन आई क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यस इट इज़ पॉसिबल, अगर आपका स्ट्रैटेजी एक राइट स्ट्रैटेजी है, मतलब सक्सेस स्ट्रैटेजी जो हम बोलते हैं राइट स्ट्रैटेजी, अगर राइट स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप राइट गाइडेंस के अंदर हो, डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, क्योंकि देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं सर मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं साइंस स्किप कर दूंगा। ठीक है, अदर सब्जेक्ट जो भी है मैं थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करूँगा। अब जितना भी अच्छा प्रिपेयर करो, आप 60-70% ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आ सकते हो। ठीक है, अगर साइंस ही आप स्किप कर दे रहे हो, देन यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, आपके यहाँ पे स्ट्रैटेजी गलत है। तो आपको क्या करना है, राइट स्ट्रैटेजी चूज करना है, उसके लिए आपको डेफिनेटली एवीकेएस मदद करेगा, डोंट वरी एट ऑल। सो यस यू कैन क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड यस 6 months इज वेरी 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 यूजफुल एंड यस you can crack in this 6 months or itself and can I crack in
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन आई क्रैक फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड. यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का. तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, पेपर वन तो आप क्रैक कर लोगे आराम से, अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लोगे, लेकिन पेपर टू आपका बहुत डिफिकल्टी एरिया हो जाता है. सो पेपर टू में बेसिकली आपको क्या करना है, देखो ऐसे तो आप हिंदी में लिख लोगे, लेकिन रिमाइनिंग जो आपका रिपोर्ट आर्गुमेंट कॉम्प्रेहेंस रिमाइनिंग ग्रामर होता है पूरा आपको इंग्लिश में देना है. तो यहाँ पे आपको करना क्या है बेसिकली, देखो आप एटलीस्ट पेपर वन में जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो, ठीक है, पेपर में जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो वो आपको इंग्लिश में पढ़ना है. इंग्लिश में पढ़ने का आदत अभी से आपको लगाना चाहिए, पेपर वन में जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तब जाके पेपर टू में थोड़ा बहुत आपको यूजफुल रहेगा. क्योंकि पेपर टू में जो रिपोर्ट लिखते हो, ये स्पेशली आप जो रिपोर्ट लिखते हो प्योरली करंट बेस्ड होता है. अगर यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ते हो कम्प्लीटली, आप हिंदी में ही पढ़ोगे तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखना थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगा. तो एटलीस्ट करंट अफेयर्स पढ़ोगे आर्गुमेंट और रिपोर्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है. इसके साथ साथ आपको करना क्या है, रिगरस प्रैक्टिस, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है. अभी से आपको स्टार्ट करना है, अभी से आपको ये पेपर टू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है. आप सोचोगे लास्ट 3 मंथ्स पहले मैं स्टार्ट करूंगा, तो नहीं, अभी स्टार्ट करना है आपको. अभी से स्टार्ट करोगे देन आपको लास्ट में थोड़ा इजी लगेगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट परसेंटेज ग्रेजुएशन. देखो परसेंटेज डजंट मैटर, कितना भी परसेंटेज हो कोई इशू नहीं है, जस्ट पास भी हो चलेगा. कोई भी ग्रेजुएट, इवन आप होटल मैनेजमेंट भी किया है देन ऑल्सो चलेगा, ठीक है. तो परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता, इवन आप 50% 55% भी है आपका देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. नेक्स्ट, पेपर टू इज डिफिकल्ट. नो, पेपर टू इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. पेपर टू आपको डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि प्रिपरेशन आप कब करते हो, लास्ट 2 मंथ्स में करते हो. एग्जाम अगर अगस्त में है, आप स्टार्ट करोगे जून में, तो डिफिकल्ट लगेगा ना डेफिनेटली, क्योंकि आप अंडर प्रेशर रहोगे, आपको पता नहीं. आप वो उस टाइम पे डायलेमा ये रहेगा कि पेपर वन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें या पेपर टू के ऊपर. अल्टीमेटली आप पेपर वन के ऊपर ही करोगे, पेपर टू में थोड़ा कम फोकस करोगे, तो टफ डिफिकल्ट तो हो जाएगा ना. अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, अभी से आप अगर टेस्ट सीरीज लिखना स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली लास्ट में आपको बहुत ही ईजी लगेगा अपना पेपर टू. जो आप सोच रहे हो डिफिकल्ट, वो बहुत ही ईजी लगेगा. पेपर टू इज नथिंग बट प्रैक्टिस. पी फॉर पेपर टू, पी फॉर प्रैक्टिस, दैट्स ऑल. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका डर दूर. नेक्स्ट, इंटरव्यू क्या हम हिंदी में दे सकते हैं? यस, आप हिंदी में दे सकते हो, डरने का क्या बात है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू के बारे में सोचना ही बंद कर दो, बहुत दूर है वो इंटरव्यू, ठीक है. उसके लिए अभी से मत सोचो, आप रिटर्न हो जाने दो, फिजिकल मेडिकल हो जाने दो, उसके बाद इंटरव्यू के बारे में सोचो. हिंदी में दे सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्योर पूरा हिंदी में देना, ऐसा नहीं. आप एटलीस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आना चाहिए, तो वो इम्प्रूव हो जाएगा यार, आराम से हो जाएगा, ठीक है. कोई भी स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लोगे आराम से, वो 30 डेज में थोड़ा बहुत होगा, एटलीस्ट 30% आपका इंप्रूव करवा देंगे, ठीक है. तो ये इंटरव्यू के बारे में डरो मत. एवीकेएस है आपके सामने, एवीकेएस है आपके लिए, आपके साथ, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है. इंटरव्यू के बारे में छोड़ दो, अपना प्रिपरेशन आराम से स्टार्ट करो. नेक्स्ट, आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम पैटर्न के बारे में देखते हैं, एलिजिबिलिटी, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम और नॉट, वो भी हम देखते हैं. सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस और सिलेबस, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी देखते हैं. बुक्स देखेंगे, स्ट्रैटेजी देखेंगे लास्ट ईयर सब्जेक्ट वाइज. तो ये वीडियो, ठीक है, ये वीडियो आपके 2 पार्ट्स में भी बन सकता है, पार्ट 1 पार्ट 2 में भी बन सकता है, क्योंकि थोड़ा मे बी ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है. तो इफ पॉसिबल मैं दोनों कवर कर दूंगा, नहीं तो पार्ट 1 आ जाएगा और पार्ट 2 2-3 दिन के बाद मैं अपडेट कर दूंगा. सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आप लास्ट तक देखिएगा. कुछ भी आपको डाउट लगता है तो मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट कर सकते हो. फर्स्ट एग्जाम स्टेज के बारे में देखते हैं, अगर आपको पता है आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, आप स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर में जा सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, नेक्स्ट आपका होता है स्टेज 3. स्टेज 1 आपका रिटन एग्जाम, ठीक है, रिटन एग्जाम में पेपर 1 पेपर 2 दोनों होते हैं, मॉर्निंग सेम डे होता है, ठीक है, रिटन एग्जाम आपका सेम डे ही हो जाता है, ठीक है, इज इट क्लियर. मॉर्निंग शिफ्ट आपका 10 AM टू 12 PM पेपर 1 होता है, आफ्टरनून शिफ्ट 2 PM टू 5 PM आपका पेपर 2 होता है. इसके बाद, ठीक है, रिटर्न होने के ऑलमोस्ट ऑल एक 3 मंथ्स के बाद, समझ लो 3-4 मंथ्स में आपका PET और मेडिकल का डेट्स आ जाते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट आपका पीईटी और एमईटी, मतलब फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है स्टेज 2। ये बस ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, यहाँ पे कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ओनली रिटर्न आपको कट ऑफ क्लियर करना है, उसके बाद आपका क्वालिफाइंग है। फिर से स्टेज 3 फाइनली आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपका टोटल 150 मार्क्स का होता है, यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं है, बस ये भी आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। फाइनली जाके आपका इंटरव्यू के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है, इज इट क्लियर। तो ये आपका एग्जाम के स्टेजेस है। एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो, पेपर 1 125 क्वेश्चंस होते हैं, 250 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट पेपर 2 200 मार्क्स का होता है, एंड पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग, यस नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/3 ऑफ द मार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब 0.66 या 0.67 आप बोल सकते हो। नेक्स्ट नो नेगेटिव मार्किंग इन पेपर 2, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव होता है। कट ऑफ मार्क्स होते हैं, यस पेपर 1 का अलग से कट ऑफ बनता है, पेपर 2 का कट ऑफ नहीं बनता है, इसका बस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही होते हैं, मतलब कभी कभी इसका 25% होता है, कभी कभी 30% होता है। जब 25% होता है तब इसका क्वालिफाइंग मार्क्स 50 होते हैं आउट ऑफ 200, जब 30% होता है देन 60 आउट ऑफ 200 इसका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ठीक है। मतलब 60 मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने हैं, एंड 25% है तो 50 मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेपर 1 आपका मॉर्निंग सेशन होता है, और पेपर 2 आपका सेम डे आफ्टरनून सेशन होता है, ठीक है। मतलब इसका ये 10 to 12 है, ये आपका 2 to 5 PM रहेगा। पेपर 1 आपका प्योरली ऑब्जेक्टिव है, OMR शीट में आपको पूरा फिल करना है। पेपर 2 आपका प्योरली डिस्क्रिप्टिव है, कंप्लीटली आपको रिटर्न मतलब इन आपको पूरा हाथ से कंप्लीटली सारे पेपर्स आपको फिलअप करने हैं, ठीक है। यहां तक आपको होपफुली पूरा समझ में आ गया है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, यस लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई दिस एग्जाम। जो भी लास्ट सेमेस्टर में है, जब आपका नोटिफिकेशन आता है उस टाइम अगर लास्ट सेमेस्टर में हो, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। मैरिड वुमेन कैन अप्लाई और नॉट, यस अप्लाई कर सकते हैं। एनी डिग्री इज एप्लीकेबल, समझ लो आपने होटल मैनेजमेंट किया है तभी भी आप एलिजिबल हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एनी डिग्री इज एलिजिबल, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बता रहा हूँ, नो सच मार्क्स रिक्वायर्ड, मतलब बस आपको पास होने हैं सारे सब्जेक्ट्स में, कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मतलब ऐसा नहीं है कि 60% चाहिए, 50-55% चाहिए, 70% चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपको पास होना है। नेक्स्ट एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज भी देख लेते हैं। अगर आप जनरल और EWS से बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन आपका एज होना चाहिए बिटवीन आपका 2 अगस्त 1997 टू 1 अगस्त 2002, इसके बीच में अगर आपका एज है देन यू आर एलिजिबल। अगर एक दिन भी ऊपर नीचे हो गया तो देन नॉट एलिजिबल, ठीक है। OBC यहाँ पे आपको +3 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आपका एज होना चाहिए बिटवीन 2 अगस्त 1994 टू 1 अगस्त 2002, ठीक है। नेक्स्ट SC ST का देख लेते हैं। SC ST का 2 अगस्त 1992 से लेके 1 अगस्त 2002, इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यहाँ पे आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब जो समझ लो फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी जो BSF में है या CSF में है, एज ए कॉन्स्टेबल पोस्ट में भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। डिफेंस के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो आते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। CB मतलब कैटेगरी बेनिफिट भी आप उनको मिलने वाला है, मतलब समझ लो आप OBC से बिलोंग करते हो, देन 3 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स, मतलब टोटल 8 ईयर्स, ठीक है। SC ST हो देन 5 प्लस 5, मतलब 35 ईयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। वो बेनिफिट यहाँ पे आपके लिए है। होपफुली यहाँ तक आपको सारे चीज क्लियर हो गए हैं, ठीक है। और कुछ भी आपको डाउट लगता है मेडिकल के बारे में या फिजिकल के बारे में, वो तो अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो मैं अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा। अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट पेपर 1 सिलेबस, सिलेबस आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया है कि कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस में लास्ट 3 ईयर्स का जो है कंपैरिजन बता रहा हूँ, साइंस के लास्ट 3 ईयर्स में ऑन एन एवरेज 28 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब साइंस अकेला प्रिपेयर करोगे यहाँ से आपका 50 प्लस कोई मार्क्स गारंटीड है,
ठीक है, तो साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। नेक्स्ट हिस्ट्री, मैं आपको ऑर्डर वाइज बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं मैं वो ऑर्डर वाइज बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट हिस्ट्री आप देखोगे, ये एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। हिस्ट्री आप देखोगे लास्ट 5 ईयर्स का ये कंपेरिजन है, 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज लास्ट 5 ईयर्स से आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कभी कभी 19, कभी कभी 18, कभी कभी 20, 21 ऐसा। नेक्स्ट ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट देखोगे, सॉरी यहाँ पे एक मैं भूला बताने भूल गया, हिस्ट्री में आपका मॉडर्न है, मिडिवल मिडाइवल भी है, एंशियंट भी है। लास्ट ईयर का छोड़ दो, उससे पहले 2020 तक मॉडर्न का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा था, लेकिन लास्ट ईयर देखोगे इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। मिडाइवल और एंशियंट का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, मॉडर्न का बहुत ही कम हो गया। उसका मतलब आपको सिलेबस में ईच एंड एवरी कॉर्नर आपको प्रिपेयर करना है, बिकॉज इट्स यूपीएससी। यूपीएससी इज नथिंग बट अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, मतलब हम कुछ भी यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इफ यू वॉन्ट टू सी योर नेम इन द रिटन लिस्ट एज वेल एज मेरिट लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट ज्योग्राफी और एनवायरमेंट देखेंगे, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी ये 20+ ही है, समझ लो मैं यहाँ पे 20 लिखा हूँ, 20+ ही है। एनवायरमेंट अलग से आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी के साथ थोड़े बेसिक टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लो। जब आप एनसीईआरटी साइंस का भी पढ़ते हो ना, उसमें लास्ट के चैप्टर्स भी आपके एनवायरमेंट थोड़ा वहां पे कवर हो जाता है, देन डोंट वरी, अलग से कोई यहाँ पे प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज क्वेश्चन देखा जाए तो 1 to 2 क्वेश्चन ऐसा ही बन रहा है। सो नेगलेक्ट नहीं करना है, ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए आप बुक्स पूरा पढ़ते जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर थोड़ा इसका वेटेज कम हो गया था, लेकिन ऑन एवरेज लास्ट 5 ईयर्स का देखेंगे तो 18 क्वेश्चंस आपका बन रहा है, मतलब 18 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सेक्शन से आ रहे हैं, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी भी है। ऐसा नहीं है कि आपको बुक पूरा पढ़ना है, बहुत सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लोगे, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉलिटी, पॉलिटी ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका एवरेज जो है बहुत ही डिक्रीज हो रहा है आजकल, तो यहाँ पे ऑन एवरेज यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन पॉलिटी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ऑन एवरेज आपको 12 क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड फाइनली इज इकोनॉमी। एंड इकोनॉमी देखो यहाँ पे मैंने तो 6 क्वेश्चंस दिया है, लेकिन ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, समझ लो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस भी पूछने का चांस है, 12 क्वेश्चंस भी पूछने का चांस है। तो 6 क्वेश्चन में एवरेज बताया हूँ, लेकिन ये इंक्रीज होने का भी चांस है, ठीक है। तो इकोनॉमी आपको लाइट नहीं लेना, ये आपका है पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 1 आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हो, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप देख सकते हो। नेक्स्ट पेपर 2 का सिलेबस देख लेंगे एक बार। पेपर 2 सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल एसे, ठीक है, एसे आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हो। 300 वर्ड लिमिट है, 300 वर्ड्स का वर्ड लिमिट है यहाँ पे। टोटल 80 मार्क्स का है एसे। 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, चार मतलब यू कैन सेलेक्ट एनी 4, ठीक है, ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी दे सकते हो। नेक्स्ट आर्गुमेंट राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग आपके ओनली इंग्लिश में आपको देना है, यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं है, वर्ड लिमिट नहीं है मतलब कितना भी लिख सकते हो ऐसा नहीं। आर्गुमेंट में मेजॉरिटी ऑफ द फोकस आपका पॉइंट्स में रहता है, मतलब जितने पॉइंट्स आप लिखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे पॉइंट बेस्ड है समझ लो, क्योंकि यहाँ पे आपका फॉर अगेंस्ट होता है ना, वहाँ पे जितना पॉइंट्स लिखोगे उतना मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे 40 मार्क्स होते हैं, टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आउट ऑफ 2 आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट रिपोर्ट राइटिंग, इंग्लिश ओनली आपको इंग्लिश में लिखना है, 200 वर्ड्स का वर्ड लिमिट है। नेक्स्ट 20 मार्क्स, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। प्रेसी राइटिंग 15 मार्क्स। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और साथ में एक सब 4 to 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चन जनरली होता है, देन एक एक क्वेश्चन का आपका 4 4 मार्क्स का वेटेज रहेगा, ठीक है। एंड फाइनली ग्रामर, ग्रामर भी बहुत ही सेलेक्टेड चैप्टर्स, सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो ये आपका टोटल 25 मार्क्स, मतलब कुल मिला के आपका 200 मार्क्स इन पेपर 2। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज टारगेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद आपको टारगेट बेसिकली होना चाहिए कि मेरा
कितना बेसिकली पेपर वन में बनेगा, पेपर टू में बनेगा, कितना मेरा टारगेट है। सो टारगेट फिक्स करने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना है आपके वीक एरिया क्या है, स्ट्रांग एरिया क्या है। मतलब आपका पेपर वन वीक है या पेपर टू वीक है, या पेपर वन स्ट्रांग है या पेपर टू स्ट्रांग है, आपको आइडेंटिफाई करना है। वो थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये टारगेट आप स्टार्टिंग में नहीं लगाओगे, स्टार्टिंग में दैट इज नॉट पॉसिबल। ये ऑलमोस्ट ऑल आपके जब आपका रीडिंग पूरा हो जाएगा, जब रिविजन में आओगे तभी आप टारगेट लगा सकते हो। तभी आपको, तब जाके आपको पता चलेगा ना कि आपका मेन वीक एरिया क्या है, स्ट्रांग एरिया क्या है, ठीक है। एज एन एवरेज स्टूडेंट्स के तौर में बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट सीरीज कोई आप समझ लो लिख रहे हो, उसमें आपका स्कोरिंग बन रहा है 130 to 140, आपका एवरेज स्कोरिंग बन रहा है 130 to 140, देन उस केस में पेपर टू में आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 90+ आपको स्कोर करना ही है। मैं बोल रहा हूँ सिलेक्शन के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, रिटर्न तो क्लियर हो जाएगा, मैं सिलेक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्शन के लिए एटलीस्ट आपको 90+ आपको यहाँ पे स्कोर करना है पेपर टू में। अगर समझ लो पेपर वन में बहुत ही अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, 150 160 तक भी आपका मार्क्स जा रहा है, ठीक है, इस केस में, देन पेपर टू आपका 70 80 भी आ जाता है, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम आपको यहाँ पे इतना स्कोर करना है, 70 to 80 आ जाता है, देन आपका रिटर्न एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ मेरिट लिस्ट में भी मैक्सिमम चांस है यहाँ पे, मेरिट लिस्ट में भी, ठीक है। तो दो टारगेट आपके पास है, किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो आप देख लो, लेकिन एवरेज स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पे 130 to 140 आपका स्कोरिंग बन रहा है। पेपर टू शुड बी योर की एरिया, पेपर टू में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, मैक्सिमम 100 तक आपको कैसा भी पेपर टू का स्कोरिंग लेके जाना है। अभी से करोगे डेफिनेटली कर पाओगे। सो 6 मंथ्स का स्ट्रैटेजी बेसिकली हम कैसा देखने वाले हैं, मतलब कैसा हम उसको यूटिलाइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस पार्ट आ जाता है, जहाँ पे हम अराउंड 1 वीक का टाइम दे देंगे, 7 डेज का अराउंड टाइम दे देंगे, और रीडिंग के लिए जो आपका मेन पार्ट होता है इसके लिए आपको मिनिमम 120 to 130 डेज का टाइम देना है, ठीक है। आपके पास अराउंड 180 डेज का टाइम बचा है, अराउंड आपको 130 डेज इसके लिए देना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट रिवीजन के लिए आपको अराउंड 40 डेज का टाइम देना है, मतलब 1 month 15 days तक का आप टाइम दे सकते हो फॉर रिवीजन। तो ऐसा आपको फिक्स करना है। रीडिंग के लिए आपको 3 months+ ही आपको रीडिंग के लिए मिल रहा है, जहाँ पे आप सिलेबस का कवर करोगे, और रिवीजन के लिए 1 month 15 days। रिवीजन थोड़ा कम भी कर सकते हो, 1 month पे भी डिक्रीज कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम के लिए अभी 6 months है, जो कुछ भी अभी आप पढ़ोगे थोड़ा भूलने का चांस कम होता है, ठीक है। अगर 1 साल पहले ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो ग्रास्प मतलब भूलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी एग्जाम से थोड़ा पहले ही प्रिपेयर कर रहे हो तो भूलने का चांस थोड़ा आपको कम रहेगा। तो रिवीजन का टाइम थोड़ा कम करने पे भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन रीडिंग जो भी आप करोगे आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए आप 3 3 months 15 days तक टाइम दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सो 6 months का टाइम टेबल अब कैसा रहने वाला है, कितना कौन से सब्जेक्ट के लिए आप कितना टाइम एलोकेट करने वाले हो अभी देखते हैं। पॉलिटी के लिए आपको एलोकेट करना है 25 days, ज्योग्राफी के लिए करना है 25 days, ये चेंज हो सकता है, ठीक है, ये क्योंकि अगर समझ लो पॉलिटी आपका बहुत ही वीक है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 days आप इंक्लूड कर सकते हो, तो चेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए 25 days, नेक्स्ट साइंस के लिए आपको 25 days मिनिमम देना है, इकोनॉमी के लिए अराउंड 10 to 15 days आपको टाइम देना है, हिस्ट्री के लिए 30 days आपको टाइम देना है, और फाइनली एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए आपको 0 days। 0 days का मतलब यह है कि जब आप डेली जो आपका प्रिपरेशन होता है उसमें आपको एक वन आवर डेली आपको 1 आवर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए डेडिकेट कर देना है, ठीक है। डेली 1 आवर आपको एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को, मॉर्निंग भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है, कोई भी टाइम, डेली आपको 1 to 1.5 आवर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को डेडिकेट कर देना है, ठीक है। तब जाके एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए अलग से आपको कोई डेज देने का जरूरत नहीं है, वो डेज आप कहीं पे भी कोई भी आपका वीक सब्जेक्ट में यूटिलाइज कर सकते हो। अभी हम देखते हैं क्या क्या बुक्स आपको रेफर करना है, ठीक है। अभी हमको पता है कितना दिन में पढ़ना है, क्या क्या करना है, लेकिन बुक्स क्या क्या पढ़ना है वो अभी हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस का देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस 6th to 10th क्लास आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे मेजर फोकस आपको देना है 8th 9th और 10th क्लास के लिए, मेजर फोकस मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपको ये रिफर करना है, ठीक है। आपको ये कंप्लीट करना है 23 डेज में, प्लस
2 डेज में आपका रिवीजन तो नहीं होगा, लेकिन जो 25 डेज हमने इसको अलॉट किया है उसमें 23 डेज आपको पढ़ना है, 2 डेज आपको रिवाइज करना है। जो भी आपने पढ़ा है 23 डेज में पूरा आपको एक बार रिवाइज कर देना है 2 डेज में। अगर आपको ये साइंस मटेरियल डाउनलोड करने हैं, ठीक है, इन द पीडीएफ फॉर्मेट, देन आपके लिए हमने लिंक भी प्रोवाइड किया है। अभी मैं जो कुछ भी डिस्कस कर रहा हूं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आप क्लिक करके डायरेक्टली ये मटेरियल्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आ गया है ज्योग्राफी, ठीक है? ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी रिफर करना है 6 to 11 क्लास, ठीक है? इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको 6 to 11 जरूर पढ़ना है। ये आपको कवर करना है टोटल 25 डेज में, जिसमें 23 डेज है आपका पढ़ने के लिए और 2 डेज है आपका रिविजन के लिए, ठीक है? एंड डाउनलोड मटेरियल्स, अगर आपको इसका मटेरियल चाहिए तो आप ये ना लिंक जो है क्लिक करके मटेरियल्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ये हो गया आपका ज्योग्राफी का। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री है एंड एंशियंट एंड मिडिवल भी है, ठीक है? सो बेसिकली देख सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको क्या रिफर करना है, स्पेक्ट्रम। इसके अलावा आप बिपिन चंद भी रिफर कर सकते हो, स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। इसके लिए आप दोगे 14 डेज का टाइम और 1 डेज का आपका, मतलब 1 डे का आपका रिविजन रहेगा। 14 डेज में आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर देना है और रिवीजन भी उसके साथ भी है, और यहाँ पे आपको टेस्ट भी देना है, ठीक है? नेक्स्ट आपका एंशियंट एंड मेडिवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे यहाँ से। सो एंशियंट के लिए आप क्या पढ़ोगे, देखो एंशियंट के लिए एक बार नोट कर लो, ठीक है? नोट कर लो एक बार, 6th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, 6th क्लास का एनसीईआरटी प्लस 12th क्लास का थीम्स पार्ट 1, ठीक है? 12th क्लास का थीम्स पार्ट 1 एनसीईआरटी, ये आपको एंशियंट के लिए पढ़ना है, बस काफी है, ये पढ़ने से काफी है। नेक्स्ट मिडाइवल के लिए क्या पढ़ना है आपको, मिडाइवल के लिए 7th क्लास का एनसीईआरटी प्लस 12th क्लास का पार्ट 2, ठीक है? 12th क्लास का पार्ट 2, पार्ट 1 आपका एंशियंट का हो गया है, पार्ट 2 आपका मिडाइवल का हो गया है, तो ये आपको पढ़ना है फॉर मिडाइवल। मॉडर्न के लिए जरूरत नहीं है एनसीईआरटी, एज मैं आपको बताया था मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम या विभिजन दोनों मोर देन इनफ है। इसके अलावा आप क्या करोगे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस पूरा प्रैक्टिस करते रहोगे। एंड इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी आपको 2 बुक्स पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो 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 आपको दोनों पढ़ना है, दोनों में से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? दोनों आपको पढ़ना है। ये आपको 12 डेज में मैं आपको दिया हूँ, यहाँ पे टोटल 13 डेज दिया हूँ, 12 डेज फॉर दिस क्लब रीडिंग एंड 1 डे इज फॉर रिविजन। एनसीईआरटी 12th क्लास आपको यहाँ पे रेफर करना है, ठीक है? नेक्स्ट एंड फाइनली आता है आपका लक्ष्मीकांत, दैट इज फॉर पॉलिटी, आपको पता ही है, इसके अलावा कोई बुक ही नहीं है समझ लो आप, ठीक है? ये बुक पढ़ो, इसके साथ साथ 11th क्लास का एक कॉन्स्टिट्यूशन आर्ट वर्क भी आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्ट, CAW में शॉर्टकट कर लिख दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन आर्ट वर्क 11th क्लास का आता है, वो भी एक बार डेफिनेटली आपको रिफर करना है लक्ष्मीकांत के साथ साथ, ठीक है? इसको सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ना है, मैं आपको बताया था ना, मैं अभी आपके लिए एनालिसिस करके देने वाला हूँ, तो वो एनालिसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 23 डेज प्लस 2 डेज, मैं टोटल 25 डेज दिया हूँ, 23 डेज फॉर पढ़ने के लिए एंड 2 डेज इज फॉर रिविजन। अगर आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो और भी अच्छा है, ठीक है? नेक्स्ट अगर आपको डाउनलोड करना है, होपफुली ये बुक्स ऑलमोस्ट ऑल सबके पास ये बुक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, ओनली आपका स्टडी प्लान ही बचा है। तो यहाँ तक देखो, थोड़ा शायद वीडियो लेंदी हो गया है, तो हम क्या करेंगे, ये पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है? पार्ट 2 मतलब कल ही आ जाएगा, ज़्यादा लेट भी नहीं है, कल ही हम पार्ट 2 डाल देंगे। पार्ट 2 में पूरा आपको स्टडी प्लान कैसा कवर करना है, ईच डे कैसा आपको एलोकेट करना है, ठीक है, टाइमिंग कैसा कैसा आपका रहना चाहिए, प्योरली हम कल आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? एंड जय हिंद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स है कमेंट कर सकते हो, थैंक यू वेरी मच।